हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शिवरपाल सिंह सोखी और बारिश का मौसम जैसे ही आता है आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, वो है पकोड़े। जी हाँ, अब पकोड़े खाने का मजा बारिशों में ही होता है क्योंकि आपको लगता है कि पकोड़े हो जाए, चाय हो जाए, और हर जगह में एक पकोड़ा ऐसा है जो आपको शायद सभी जगह मिलेगा, वो है प्याज के पकौड़े। अब जैसे महाराष्ट्र में भजे कहते हैं, बंगाल में चले जाएं तो प्याजी कहते हैं, सबका फॉर्म भी अलग अलग होता है, लेकिन जो भजिए होते हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में भी मिलते हैं और नॉर्थ में भी मिलते हैं। ख़ास तौर से आप जब हिल स्टेशन में आते हैं ना, खाने में मज़ा आ जाता है। बड़ा सिंपल है और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। मज़े वाली चीज़ ये होती है कि जो प्याज है वो आपने स्लाइस करके रखना है इस तरह से, ये जो स्लाइस किया आपने ये लेके, ये मैं इस तरह से थोड़ा सा प्याज को खोल लेना होता है आपने, तो ये इस तरह से प्याज हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ना अलग अलग स्लाइसेस हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। अब जैसे अगर तीन प्याज लिए आपने तो आधा छोटा चम्मच हल्दी, मिर्चें वो भी आधा छोटा चम्मच डाल लें, नमक डाल लें, नमक शमक करके डालते रहें, ठीक है जी। और अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, आधा छोटा चम्मच ये डाल लिया। बेसन ये डालें, पहले मिक्स कर लें इसको। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मसल भी सकते हैं। पानी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्याज के पकौड़ों में कुरकुरापन करेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर से ही आए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले ये मसल इसलिए लें ताकि प्याज से पानी निकल जाए, ये छोटी सी ट्रिक है। कई बार ऐसे होता है कि आपने प्याज मिश्रण जो मसालों का और बेसन मिला लिया, उसके बाद पानी इमिडिएटली डाल दिया और फिर आप मसलने लगते, अचानक से नज़र आता है कि अरे ये तो प्याज ने पानी छोड़ दिया, तो ये तो पतला हो गया। और बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, बेसन की मात्रा ज़्यादा रखनी है कि प्याज की मात्रा ज़्यादा रखनी, ये आपको जब आप मसलेंगे ना उसी से पता चल जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट मिश्रण आ गया है, इसमें इससे ज़्यादा पानी मैं डालूंगा नहीं। ये देखिए इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा है, बेसन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये जो पकोड़े हैं आप अपना गैस फ्लेम मैनेज कर सकते हो। पहले मीडियम पे रख सकते हैं, फिर हाई कर सकते हैं। मैं दो बार फ्राई करूंगा क्योंकि पकोड़े डालते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, फिर से बढ़ाने के लिए मैं पकोड़े निकालूंगा फिर फ्राई करूंगा। और इनका आकार देखिए जैसे भजे होते हैं ना, मजेदार प्याज नजर आना चाहिए। ये इस वक्त मैं निकाल लेता हूं, ये छोटे बड़े मजेदार, कोटिंग भी जस्ट इनफ। अब तेल को वापस गर्म करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। अब जब तेल वापस गर्म हो जाए तो ये पकौड़े जो है ये इसमें डाल लेते हैं। अब पकौड़ों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फ्राई करें वो इतने ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए कि आपको कड़वाहट आए। और प्याज के पकौड़े में भी यही आपने देखना है कि अनियंस जो है वो कैरमलाइज हो जाए, ऊपर की कोटिंग बढ़िया ब्राउन रहे और कड़वाहट ना आए। एक टाइम के बाद कड़वाहट होनी शुरू हो जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ये टिप है, इसलिए जब पहली बार भी आप डालते हैं तो तेल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका ऊपर की लेयर जो है वो काली पड़ जाए, अंदर जो है वो कच्चा रहे बेसन। अब ये देखिए ये बढ़िया तैयार, कलर भी परफेक्ट, अब ये बिल्कुल तैयार है। जनरली स्ट्रीट फूड्स में जब आप खाते हैं तो ऊपर से वो कोई चाट मसाला वगैरह नहीं डालते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन जहां पे भी आप स्ट्रीट फूड में खाएंगे तो वो नहीं डालते। वो एक बढ़िया चटनी और ऐसी हरी मिर्चें फ्राई करके देते हैं, तो ये हरी मिर्चें फ्राई कर लेते हैं। और हरी मिर्चें जब भी आप फ्राई करें तो थोड़ा सा एक चीरा लगा लें, वरना बस होंगे हरी मिर्चें
क्योंकि हरी मिर्चों में एक ऑयल रहता है और मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण तेल के अंदर जाते ही वो बर्स्ट करेंगी और हो सकता है हानिकारक हो। इसलिए आपने थोड़ा सा चीरा लगाना है और फिर फ्राई करें बढ़िया तरीके से। और फ्राई करते वक्त भी आपने ये ध्यान में रखना है कि जब ऊपर का स्किन का कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जाए तब निकाल लें। आपको मैं बताता हूँ उससे क्या होगा कि मिर्चों का जो तीखापन है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सफ़ेद जैसे हो गई मिर्चें, ये स्पॉट्स जब आ जाएं तो समझ जाइए निकाल के अब तैयार है। इसमें बेशक बोल में आपने डाला, इसमें बेशक आप चाट मसाला स्प्रिंकल करें तो मिर्चें खाने में मज़ेदार हो जाती हैं और नींबू भी छिड़क सकते हैं। ये बढ़िया प्लेट में परोसें और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये डाल लें और टमाटो केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं। ये जो प्याज के पकौड़े बने हैं ये भजे जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं, लोग खाते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे और आपको भी पता नहीं चलेगा कि कितना मैंने बनाया, लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि कितना उन्होंने खाया। भाई बारिश के मौसम में ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो छोटे छोटे वाले पीसेज होते हैं ना, ये इनको खाने का मज़ा ही कुछ और है। क्रंच इज वेरी गुड, मज़ेदार, जस्ट डिप इन द सॉस, वेरी इंटरेस्टिंग। बनाइएगा, बारिश का मजा लीजिए और खाइए। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।